नमस्कार, वीकेबी न्यूज के मॉर्निंग टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धूमधाम से हुआ IIM नागपुर के परिसर का उद्घाटन, राष्ट्रपति ने की कैंपस की प्रशंसा। वर्धमान नगर में अनियंत्रित बस ने गाड़ियों को मारी टक्कर, एक महिला जख्मी। और NIA की बड़ी कार्रवाई, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों रविवार को IIM नागपुर के नए कैंपस का उद्घाटन ऐतिहासिक साबित हुआ। भीषण गर्मी को देखते हुए माना जा रहा था कि राष्ट्रपति परिसर में पहुंचने के बाद सीधे मंच पर आएंगे, लेकिन उन्होंने गर्मी की परवाह न करते हुए संस्थान के परिसर का अवलोकन किया। साथ ही संस्थान के परिसर की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए इसे भव्य व आकर्षक बताया। समारोह को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, साथ ही चुनिंदा लोगों को ही समारोह के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रवेश द्वार पर राष्ट्रपति के हाथों शिलान्यास किया गया। इसके बाद वहां उपस्थित पदाधिकारी नेताओं को राष्ट्रपति की अध्ययनशीलता का अनुभव करने को मिला। प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रपति कार्यालय के पास IIM की पूरी जानकारी पहले ही भेज दी गई थी, लेकिन प्रत्यक्ष कैंपस में पहुंचने के बाद उन्होंने खुद से सारी जानकारी हासिल की। IIM नागपुर के निदेशक डॉक्टर भीमराया, मंत्री व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उन्होंने IIM के मॉडल की जानकारी ली। यह भी जाना कि शिक्षक और विद्यार्थियों को इसका क्या लाभ होगा, कैंपस कैसे इको फ्रेंडली है, साथ ही दूसरे फेज में और कौन से काम होने हैं व भविष्य की योजनाओं की पूरी जानकारी ली। डॉक्टर मैत्री ने बताया कि राष्ट्रपति ने कैंपस की भव्यता, आकर्षता व कार्य की गुणवत्ता पर खुशी जाहिर की। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनौती दी थी कि वे उनके खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाए, उनको लोगों की ताकत का पता चल जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने के विवाद को लेकर पिछले महीने मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई नवनीत राणा को हाल में जमानत मिली है। उन्होंने यह दावा भी किया है कि मुंबई के लोग और भगवान राम नगर निकाय चुनावों में शिवसेना को सबक सिखाएंगे। शिवसेना अध्यक्ष ठाकरे ने मई 2020 को महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य के तौर पर शपथ ली थी। वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद नवम्बर 2019 में मुख्यमंत्री बने थे। इससे पहले वह राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं थे। सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। 4 मई को दंपति को कोर्ट ने सशर्त बेल दी थी। इनमें एक शर्त ये भी थी कि दंपति मीडिया से बात नहीं करेंगे, लेकिन नवनीत ने मीडिया से बातचीत की। चर्चा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर नवनीत और रवि के खिलाफ कोर्ट की अवमानना याचिका दायर कर सकते हैं। बोलिए बोलिए। और ये ठाकरे सरकार को मेरा प्रश्न है, मैंने काम कर अगर गुना है और उसके लिए मुझे 13 सरकार ने दी है। अगर हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं, तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। जो अत्याचार मुझ पे हुआ, जिस तरीके से मेरे साथ में जो भी लॉकअप से लेकर जेल तक हुआ और चेकअप को डॉक्टर ने लिख के दिया कि अर्जेंट इनका चेकअप होना चाहिए बिकॉज शी इज फेसिंग अ मेजर प्रॉब्लम स्पॉन्डिलाइज एंड माय लोअर वेस्ट बैक, चूंकि उसका इंजरी जो है वो मेजर हुई है। शी शुड गेट चेक 27 से लेकर 4 तारीख अभी भी फोन नहीं है। मैंने डॉक्टरों को रिक्वेस्ट करके
बाद ही मैं टेस्ट और बाद ही मेरी जो भी डॉक्टरी ट्रीटमेंट है मैं ओपीडी के माध्यम से करूंगी। और 14 दिन वहाँ पर और 4 दिन हॉस्पिटल में लगातार बाहर रहना से मेंटली जो भी नुकसान होता है, हरासमेंट जो उन्होंने किया, इसके लिए मैंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट करके आज डिस्चार्ज किया। डॉक्टर की इच्छा नहीं थी कि आज डिस्चार्ज देना, पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, उद्धव ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके आना किसे कहते हैं, वहाँ खड़े रहिए और आपके विरोध में, आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी। और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। अगर दम है, आज आपके पूर्वजों के नाम से आपको आज पद मिला है मुख्यमंत्री का, पर जनता के सामने आकर आप लड़के दिखाइए और आपके सामने एक महिला ताकत किस तरीके से खड़ी रहेगी वो मैं आपको जवाब दूंगी। और आने वाले समय में मैं उनको चेतावनी आपने कंटेस्ट करिए और आपके सामने एक महिला खड़ी रहकर कंटेस्ट करके दिखाई दो। महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से राम के नाम पे और हनुमान के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने मेरे पर अत्याचार किए हैं, इसका जवाब ये महाराष्ट्र की जनता इन्हें जरूर देगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और आने वाले मैम आपकी फैमिली कॉर्पोरेशन में मैं मराठी बोला मैडम ताकत से बाहर निकलूंगी और इनको जवाब मेरी महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी कि राम का और हनुमान का विरोध करने वाले का उनके साथ में क्या। सेंट्रल एवेन्यू वर्धमान नगर स्थित डे टू डे के सामने तेज रफ्तार बस चालक ने सामने की दो पहिया को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एसटी बस क्रमांक MH 40 चालक के अचानक ब्रेक मारने से पीछे आ रही सफेद रंग की कार को उसकी पिछली कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में पिछली काले रंग की कार की भी क्षतिग्रस्त हो गई। यह हादसा रविवार की शाम करीब 4 बजे हुआ। बस की टक्कर में दो पहिया क्रमांक MH 31 CT 4984 की चालक महिला जख्मी हो गई। इन्हें इलाके के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Love you, दीपिका। Bye. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को कहा कि वह स्वयं इंडिगो एयरलाइंस की कथित घटना की जांच करेंगे। आरोप है इंडिगो ने शनिवार को रांची हवाई अड्डे पर अपने माता पिता के साथ आए एक दिव्यांग बच्चे को विमान में चढ़ने से रोक दिया था। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को कहा कि वह स्वयं इंडिगो एयरलाइंस की कथित घटना की जांच करेंगे। इंडिगो ने शनिवार को रांची हवाई अड्डे पर अपने माता पिता के साथ एक दिव्यांग किशोर बच्चे को विमान में चढ़ने से रोक दिया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस तरह के व्यवहार के लिए जीरो टॉलरेंस है और जाँच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, इस तरह के व्यवहार के प्रति जीरो टॉलरेंस है, किसी भी इंसान को इससे नहीं गुजरना चाहिए, इसलिए मैं स्वयं ही मामले की जांच कर रहा हूं, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। रविवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारियों ने शनिवार को रांची हवाई अड्डे पर विशेष जरूरतों वाले एक किशोर को उसके माता पिता के साथ विमान में चढ़ने नहीं दिया। पोस्ट के अनुसार बाद में इंडिगो के कर्मचारियों ने घोषणा की, उस बच्चे को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इससे अन्य यात्रियों के लिए खतरा है, वह अन्य यात्रियों के लिए जोखिम था, यात्रा की योग्य होने से पहले उसे सामान्य बनना होगा। फिर कर्मचारियों ने इस तरह के व्यवहार और नशे में यात्रियों की यात्रा करने के लिए अयोग्य की तर्ज पर कुछ बताया। पोस्ट पब्लिक होने के बाद इंडिगो ने एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें कहा, यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एक विशेष रूप से विकलांग बच्चा 7 मई को अपने परिवार के साथ उड़ान में नहीं जा सका, क्योंकि वह दहशत की स्थिति में था। ग्राउंड स्टाफ ने आखिरी मिनट तक उनके शांत होने का इंतजार किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अपने बयान में कहा, एयरलाइन ने उन्हें होटल में ठहरने की सुविधा प्रदान करके परिवार को सहज बनाया। परिवार ने आज सुबह उनके गंतव्य के लिए उड़ान भरी। इंडिगो एक समावेशी संगठन होने पर गर्व करता है, चाहे वह कर्मचारियों के लिए हो या ग्राहकों के लिए। हर महीने 75,000 से अधिक विशेष रूप से विकलांग यात्री इंडिगो के साथ उड़ान भरते हैं। मुंबई में दाऊद से जुड़े कई सहयोगियों के ठिकानों पर NIA ने छापेमारी की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लगभग एक दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। मुंबई के नागपाड़ा, गोरेगांव, बोरीवली, सांताक्रूज, मुमरा, भिंडी बाजार में छापेमारी शुरू हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय के आदेश पर NIA ने दाऊद इब्राहिम डी कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया था, उसी पर यह जांच छापेमारी चल रही है। डी कंपनी संयुक्त राष्ट्र द्वारा बैन आतंकी संगठन है। वही 1993 में हुए मुंबई धमाकों के आरोपी दाऊद को 2003 में UN ने ग्लोबल आतंकी माना था, उस पर $25 मिलियन का इनाम भी रखा गया था। नागपुर के बेलतरोडी पुलिस स्टेशन के पीछे एक झोपड़ी में 15 से 16 सिलेंडर ब्लास्ट होने से भीषण आग लगी है। यह आग आज सुबह लगने की खबर है। दमकल विभाग की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास कर रही है। आग इतनी भीषण है कि इसके धुएं का गुबार दूर से देखा जा सकता है। चौंकाने वाली घटना अमरावती जिले के अंबाड़ा गांव में हुई, जब लड़की के अंतरजातीय प्रेम विवाह से नाराज उसके माता पिता ने लड़की को उसके पति के घर से अगवा कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लड़की देर रात उसे उसके माता पिता की हिरासत से थाने लाया गया और लड़की का पुलिस ने बंद कमरे में बयान दर्ज किया। मुलगी आणि त्याच्या आईवडील पोलीस स्टेशनला आले आणि त्यानंतर एक चौकशीचा पाठ म्हणून आपण त्या मुलीचा इन कॅमेरा स्टेटमेंट महिला पंचासमक्ष, स्वतंत्र निष्पक्ष महिला पंचासमक्ष आपण तिचं बयान नोंदवलं। त्या बयानामध्ये तिने नमूद केलं की आमचं 28 तारखेला लग्न झाल्यानंतर 4 तारखेला माझे आईवडील मला भेटायसाठी आले होते आणि तिथे बोलचाल सुरू असताना माझ्या वडिलांनी मला माझ्यासोबत यायला सांगितलं पण मी नकार दिला आणि नकार दिल्यामुळे वडिलांनी रागामध्ये मला जबरदस्तीने तिथून घेऊन गेले।
आज रोजी मला असं सांगायचं तिने स्टेटमेंटमध्ये म्हटलं की मला माझ्या आईवडिलांविरुद्ध कारवाई करायची नाही, तो त्यांचा मी त्यांच्या मताने ऐकली नाही, मी आंतरजातीय विवाह केला आणि माझ्या आईवडिलांचं ऐकलं नाही म्हणून त्यांनी तो राग व्यक्त केलेला आहे. मला माझ्या आईवडिलांविरुद्ध काही कारवाई करायची नाही, परंतु मला माझ्या पतीसोबत नांदायचं आहे, अशा प्रकारे त्यांनी स्टेटमेंट दिलं. या संबंधाने मग आम्ही मुलीच्या आईवडिलाला हा मेसेज कन्व्हे केला की मुलीला आता तिला तिचं प्रतीक जो आहे तिचा पती याच्यासोबत नांदायचा आहे. आईवडिलांनी त्यानंतर मुलीसोबत चर्चा केली आणि मग आईवडिलांनी ठरवलं की ठीक आहे, मुलीची याच्यात खुशी आहे म्हणून आम्ही आता मुलीला मुलासोबत जाऊ देतो. आणि त्यानंतर मुलीचे आईवडील तिथून निघून गेले आणि आज रोजी मुलीचा श्रेया हिचा पती जो प्रतीक हा पोलीस स्टेशनला आला. आम्ही चौकशीच्या अनुषंगाने त्याचं बयान नोंदवलं आहे आणि त्यानंतर आता मुलीच्या इच्छेनुसार ती मुलासोबत जात आहे. बीकेबी न्यूज के मॉर्निंग टाइम न्यूज में बस इतना ही. अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए बीकेबी न्यूज के साथ. नमस्कार.